let it bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही तगड़ा टॉपिक लाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी संरचना के बारे में लिखिए। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है। अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप 6 नंबर का कम से कम करके आएंगे। ये कक्षा 12 में फिजिक्स में हमेशा 6 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर इसको लास्ट तक अगर देखते हैं कैसे इसको लिखा जाएगा, कैसे इसको क्या क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और इसका चित्र कैसे बनाएंगे, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप आसानी से ट्रांसफार्मर के बारे में लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखिए, ट्रांसफार्मर को मैंने पूछा गया, ट्रांसफार्मर है क्या, इसकी संरचना के बारे में लिखना है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर के बारे में कैसे लिखेगा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना ही प्रतिवर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देता है। यानी ट्रांसफार्मर के उपयोग से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को कम या ज्यादा करते हैं। तो ऐसे ही लिखिएगा पहला लाइन, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट डाल के लिखिएगा, ऐसे ट्रांसफार्मर हेडिंग डाल दीजिएगा, ऐसे पॉइंट लिखिएगा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना ही वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। इसका मेन काम ही होता है कि वोल्टेज को कम करेगा और वोल्टेज को ज्यादा करेगा, ठीक। और मेन वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज को कम तो करेगा लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है सेम, चाहे वोल्टेज ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, ठीक। उसी प्रकार देखिए सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। अब ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है ये लिख दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये लिखिएगा कि ट्रांसफार्मर धारा की आवृत्ति, देखिए आवृत्ति बोल रहे थे ना, ट्रांसफार्मर धारा की आवृत्ति बदले बिना वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है ना, फ्रीक्वेंसी को बिना बदले ही क्या करता है, इस वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, ठीक। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखेगा कि इसे स्थिर यंत्र कहते हैं। ये एक प्रकार क्या है, स्थिर यंत्र, ये मूवेबल पार्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। इसमें ना जो हमारे आप गांव में देखे होंगे ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें कोई भी पार्ट मूविंग नहीं किया जाता है। उसमें 2 कोर होते हैं, 1 कोर में ज्यादा तार लपेटा जाता है राउंड में, 1 में कम लपेटा जाता है, बस यही होता है और कुछ नहीं। और बाकी कैसे सिस्टम काम करता है, वो काम करता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक। अब देखिए वोल्टेज पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है कि वोल्टेज लेवल के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मेनली काम यह है कि वोल्टेज को बढ़ाना, और स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर का काम है अगर वोल्टेज कम चाहते हैं। मान लीजिए हम लोग को घर में हम लोग को वोल्टेज की जरूरत क्या है, 200 से 250 के आसपास की वोल्टेज की जरूरत है, तो उतना हमको वोल्टेज चाहिए, तो कैसे हम लोग पाएंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उपयोग करके वोल्टेज को कम करके अपने घरों में यूज करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो आता है 11,000 किलो वाट का क्या होता है वोल्टेज होता है, तो उसको कम करके 250 किया जाता है, ठीक। और जहाँ बिजली बनता है वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्या करिएगा, इतना पॉइंट लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको फुल नंबर जरूर देगा, ठीक। और देखिए इसमें क्या करें, इसकी संरचना के बारे में भी बताना है, तो आइए इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। देखिए ये हमारी उसकी क्या है, संरचना है, कंस्ट्रक्शन है। देखिए सबसे पहले चित्र में ऐसे बनाइएगा, सबसे पहले एक प्लेट बनाइएगा, ये क्या है कोर प्लेट है, यहाँ पर क्या होगा, अब 2 कुंडली बनेगा, ठीक। अब ये कोर प्लेट अनेक लेयर के एक पे एक रख कर यहाँ पर एक प्लेट रखा जाता है, उसके बाद इसके चारों ओर तार लपेटा जाता है गोला गोला में, ठीक। आ इसके तारों मतलब 2 कुंडली बनेगा, एक ये कुंडली कहलाएगा और एक ये कुंडली कहलाएगा। इस पहले कुंडली को कहते हैं प्राथमिक कुंडली और इसको कहते हैं द्वितीय कुंडली। तो जो प्राइमरी कुंडली है, प्राइमरी कुंडली में अगर हम लोग तारों की संख्या ज्यादा रखेंगे और प्राथमिक में हमारे सेकेंडरी में अगर हम लोग तारों की संख्या कम रखेंगे और पतला तार रखेंगे तो इसमें से क्या होगा, वोल्टेज जो अगर ज्यादा आएगा तो इस वाले पार्ट में वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इस वाले तार में तारों की संख्या मोटा अगर ज्यादा रहेगा और इसमें राउंड कम रहेगा तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज इधर से क्या होगा, इधर कम होगा। अगर ये वाला
कम रहेगा इधर ज्यादा रहेगा तो इधर से इधर जाएगा तो वोल्टेज बढ़ता है, इसी सिस्टम पे क्या करता है काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा है एडी करंट, ये तीर दिख रहा होगा इसमें क्या होता है एडी करंट पैदा होता है। तो देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं, यहाँ पॉइंट पॉइंट में ऐसे लिखेगा। सबसे पहले लिखेगा कि इसमें नम्र लोहे की आयताकार पत्तियां होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखकर पटलित क्रोड का रूप देती है। हमने अभी आपको बताया अलग 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 क्या होता है, नम्र लोहे के आयताकार ये है, अलग अलग का क्या छोटे छोटे पीस में क्या करते हैं एक पे एक रखते हैं, उसके बाद उसके ओर चारों ओर हम लोग तार लपेटते हैं। एक साइड अगर तार ज्यादा लपटेंगे तो एक साइड हम लोग तार कम लेटेंगे। जो जिधर से हम लोग वोल्टेज आता है उसको प्राइमरी कहते हैं, जिधर भेजना रहता है उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको फुल फुल नंबर दे देगा। ठीक, अब देखिए सेकेंड नंबर का क्या कह रहा है कि इसके क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं और विद्युत धाराएं ऊर्जा की हानि कम होती है। देखिए इससे ये दिक्कत है ना, मान लीजिए हम लोग क्या होता है आयताकार, इसलिए कई छोटे छोटे प्लेट इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें क्या हो भंवर धारा कम उत्पन्न हो। अगर भंवर धारा कम उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें से जो एनर्जी आएगा उसका एनर्जी क्या होगा कम होगा। ठीक ठीक, और देखिए आगे क्या कह रहा है कि अब इस प्रकार पत्तियों द्वारा दो कुंडली बनाई जाती है, और वही हमने आपको बताया, और एक में तांबे के मोटे तार तथा कुछ कम फेरे होते हैं तथा दूसरी कुंडली में तांबे के पतले तार जिसमें अधिक फेरे होते हैं। याद रखिए अगर इसमें हमारा मोटा तार लगाएंगे तो उसकी कुंडली क्या रखेंगे कम रखेंगे, और इसमें अगर पतला तार लगाएंगे तो उसमें कुंडली की संख्या मतलब घुमाने की संख्या जो होगी एन, जो हमको कहते हैं एन से डिनोट करते हैं, एन संख्या जो होगी हमारी क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक, उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन दोनों कुंडलियों में से एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरे कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। और ये सूत्र लिख दीजिएगा कि ईपी अपान ईएस, देखिए ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ये क्या है हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ जो जनरेट होता है वही है, एन क्या है एनपी बटा एनएस है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम आपको डिटेल में एक बार और समझा देते हैं कि कैसे काम करता है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयताकार प्लेट ले लेंगे, आयताकार प्लेट लेने के बाद अलग अलग लेयर की इसको चढ़ा देंगे, चढ़ाएंगे इससे ये फायदा होगा कि एडी करंट नहीं फायदा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तांबे के तार लेंगे, मोटा तार लेंगे, अब मोटा तार लेके कम राउंड में, मान लीजिए 10 राउंड अगर इसमें कर रहे हैं तो 10 राउंड दे देंगे। ठीक, तांबे के तार लेके अब इस साइड उसके इसके अपोजिट साइड जिसमें इसको हम लोग प्राइमरी कहेंगे इसको सेकेंडरी कहेंगे, अब इस टाइम वही तांबे का तार ही लेंगे लेकिन इसमें उसकी मोटाई क्या होगी पतली होगी, अब पतली होने के साथ साथ इसमें अगर हम जो घेरा बनाएंगे वो हमारी क्या होगी अधिक हो गया, इसमें हमने 10 बनाया तो इसमें हम इसको 20 रख देंगे या 30 रख देंगे। अब जब इसमें हम वोल्टेज देंगे तो इसमें जो हमारा क्या होगा एक प्राइमरी कुंडली हो गया, अब प्राइमरी कुंडली में वोल्टेज करंट आएगा तो क्या होता है कि अन्योन प्रेरण क्या कहता है सिद्धांत, जब एक कुंडली में जब धारा आएगा दूसरी कुंडली उसके पास ले जाएंगे तो यह लेडीज के पास है ही, तो इसमें क्या होगा ईएमएफ उत्पन्न होगा, यहाँ लिखा भी है ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण इसमें भी करंट पैदा होगा और वोल्टेज पैदा होगा, लेकिन इसमें तारों की संख्या क्या है कम है इसमें ज्यादा है तो इसके तुलना में इसमें क्या होगा वोल्टेज ज्यादा होगा, तो इससे क्या होगा इसमें से इसमें क्या हो जाएगा वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज को ज्यादा और कम करते हैं, तो इस प्रकार से इसका मेनली फंक्शन होता है। तो ऐसे चित्र बनाइएगा, इसको लिख दीजिएगा प्राइमरी वोल्टेज, इसको लिख दीजिएगा सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक, इस प्रकार से देखिए अगर निकालना है कि कितना प्राइमरी में कितना एन क्या है हमारा नंबर आप फेरे हैं कितने उसके फेरे हैं तो कितना उसका संख्या में फेरा गिरा गया है। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि ईएमएफ जो जनरेट होता है उसके प्राइमरी के क्या होता है मतलब तो उसके संख्या के ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि कितना तार हम लोग लपटे हैं। ठीक, अगर इतना आप लिख देते हैं तो एग्जाम में आपको फुल में फुल नंबर कोई नहीं रोकेगा, 6 नंबर का आएगा और 6 का 6 नंबर आप कर ले जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हम हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।